हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है मीनिंग ऑफ ई सर्विसेज एंड द एडवांस एंड द बेनिफिट्स ऑफ ई सर्विसेज। ई सर्विसेज क्या होती हैं और इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बने रहिए इस वीडियो के साथ। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं, जिसके लिए आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा, फिर इग्नू बीकॉम में जाना होगा और फिर आपको एक और ज्वाइन का बटन दिखेगा जिसके ऊपर एक प्राइस टैग है। इस प्राइस को आपको पेमेंट करना है, जैसे कि आप ट्यूशन करते हैं वैसे ही आप हमारे पास ट्यूशन करेंगे। इसके बेनिफिट आपको मैं एक एक करके बताऊंगा, लेकिन आपको इस पेमेंट को कर लेने के बाद क्या क्या प्रोसेस है वो पहले बता देता हूँ। तो इस पेमेंट को करने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना मोर अबाउट प्रोडक्ट्स में, और यहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप का लिंक शो करेगा, जिस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप हमें डायरेक्टली एक तरीके से हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है असाइनमेंट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, एक रुपए भी एक्स्ट्रा आपको पेमेंट नहीं करना होगा। लो कॉस्ट आपको एक तरीके से नोट्स मिल जाएंगे 40% डिस्काउंट पे, और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है। ऑन डिमांड लेक्चर्स आप हमारे पास से मांग सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनना चाहिए तो मैं उसके ऊपर बनाऊंगा। साथ ही साथ आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको लगता है कि किसी काउंसलिंग की आपको आवश्यकता है तो आप मुझसे कॉल करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब भी स्टडी करें तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, जो कि कॉमर्स की पाठशाला, यहाँ आने के बाद आप इग्नू बीकॉम में क्लिक करें। प्लेलिस्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट दिखेंगी, आपको इग्नू बीकॉम न्यू में क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के सारे कोर्सेज की प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जिसके अंदर ढेरों वीडियोज हैं जिनको देख करके आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर पाओगे, राइट। इसके अलावा आप एमकॉम की भी वैसी ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, एमकॉम का भी कोर्स चेंज हो गया है तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे एमकॉम की भी स्टडी कर सकते हो जब आप एमकॉम की स्टडी करोगे, ठीक है। चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है मीनिंग ऑफ ई सर्विसेज। तो ई सर्विसेज क्या होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ई सर्विसेज क्या होता है, सो ई सर्विसेज दोन, इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, दिस विल लुक गुड आई गेस। So, e-services known as online services, service refers to any information and service provided over the internet. So, e-services का मतलब हो गया वो सारी की सारी services या information जो भी आप provide करते हो online, internet पे अगर आप services provide कर रहे हो तो हम उसे बोलेंगे e-services, electronic services. These services not only allow subscribers to communicate with each other, but they also provide unlimited access to information. अब ये जो services होती हैं, ये सिर्फ आपको information से provide नहीं करती हैं, बल्कि आपको unlimited access provide करती हैं information का. आप यहाँ पे communicate भी कर सकते हो और आपको यहाँ पे information का unlimited एक तरीके से access भी provide किया जाता है. These services may be free or paid. अब ये services free भी हो सकती हैं, paid भी हो सकती हैं. Thus, e-service comprises of the online services available on the internet, whereby a suitable transactions of buying and selling is achievable, as opposed to the long-established websites where only explanatory informations are available and no online transactions is made possible. तो e-services का मतलब हो गया वो सारी services जो कि internet पे possible हैं, जहाँ पे आप अपने transactions को कर सकते हो, buying and selling को, जो कि आपको वहाँ पे achievable है, like आप उसको कर सकते हो. और जो चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं जैसे दूसरी जगह पे, जैसे कि वेबसाइट्स हो गया, वेबसाइट पे सिर्फ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, वहां पे आप बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते अपनी सर्विसेज का, राइट। तो उससे ये हट करके होता है ई सर्विसेज, यहाँ पे आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो जो भी सर्विसेज आप बेच रहे हो, ठीक है ना। तो और वेबसाइट्स में क्या होता है कि वेबसाइट में सिर्फ एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहते हैं, वहां पे किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन ई सर्विसेज के थ्रू आप इंटरनेट पे ये सारी चीजें भी कर सकते हो। दस ई सर्विस में ऑल्सो इंक्लूड ई कॉमर्स, ऑल्दो इट में ऑल्सो इंक्लूड नॉन कमर्शियल सर्विसेज ऑनलाइन, है ना। तो यहाँ पे ई सर्विसेज को हम लोग ई कॉमर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन आप एक तरीके से कॉमर्स ही कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो, लेकिन यहाँ पे ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि कमर्शियल सर्विसेज नहीं होती हैं, उनको भी यहाँ पे सेल करा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे नॉन कमर्शियल सर्विसेज भी आ जाएंगी और कमर्शियल सर्विसेज भी आ जाएंगी, दोनों ही यहाँ पे आ जाएगा, है ना। Online service delivery is an effective way to build close relationship with the customers, partners and the public while simultaneously cutting cost and reducing delays, है ना।
तो यहाँ पे एक तरीके से ऑनलाइन जब आप चीजों को करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। आप एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो अपने कस्टमर, पार्टनर एंड पब्लिक के साथ, जो आपके साथ डायरेक्टली एंगेज हो रहे हैं। जो कटिंग, जो कॉस्ट है, आप उसको कट कर सकते हो उन तक सामान को पहुंचाने का, एंड जो टाइम बेयरिंग होता है उसको भी आप बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इंक्रीजिंगली ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस अ नंबर ऑफ सेक्टर्स आर ऑफरिंग एक्सटर्नल 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 फेसिंग ऑनलाइन सर्विसेज। द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ ई सर्विसेज आर सर्विस प्रोवाइडर्स, सर्विस रिसीवर्स एंड द चैनल्स ऑफ सर्विस डिलीवरी रिस्पेक्टिवली। ये कुछ ज्यादा हो गया, ठीक है। ये जो पहला पैराग्राफ था ई सर्विसेज का, इतना ही काफी है। आपको ई सर्विसेज क्या होता है मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। यहाँ पर डिफरेंस भी मैंने बता दिया ई सर्विस। यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे लाइनें लिखी हुई है, ये डिफरेंस है एक किस्म का, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट्स के साथ इनका डिफरेंस करके यहाँ पे मैंने बता दिया है कि दोनों में क्या अंतर है। तो ये भी आप एक तरीके से पता आपको चल गया होगा। तो ई सर्विसेज में आप अंतर भी लिख देना, है ना। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स ऑफ ई सर्विसेज, क्या क्या फायदे हैं। सो देयर आर अश्योर्ड बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ऑनलाइन सर्विसेज एंड दीज सर्विसेज विच कैन गिव ऑर्गेनाइजेशन एन एज इन मेकिंग अवेलेबल न्यूमरस बेनिफिट्स बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल इन नेचर, है ना। तो यहाँ पे डेफिनेटली ई सर्विसेज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो ये एक तरीके से यू नो ऑर्गेनाइजेशन को एक एज देता है, एक यू नो अपॉर्चुनिटी, एक पॉसिबिलिटी देता है कि वो जो है अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकता है बहुत ही आसानी से, है ना। और यहाँ पे बहुत सारी बेनिफिट्स उनको मिलती हैं, चाहे वो टेंजिबल हो या फिर इनटेंजिबल हो, ठीक है। लेकिन बेनिफिट्स यहाँ पे उनको पक्की मिलती हैं, राइट। तो कौन कौन से बेनिफिट्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिगर नंबर 14.2 पर मैं देखो 14.2 जो हमारा फिगर है उसमें कुछ चीजें बताई जा रही हैं। ये स्टेट पोर्टल है आसाम का, डेवलप्ड विद एन ऑब्जेक्टिव टू इनेबल द सिंगल विंडो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द वेरियस इंडियन गवर्नमेंट एंटिटीज। दिस पोर्टल इज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय द नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनके द्वारा ये वेबसाइट बनाया गया है जहाँ पे हर एक तरह की जानकारी आपको जो है इस वेबसाइट पे मिल जाएगी रिगार्डिंग एनी सर्विसेज, रिगार्डिंग एनी डिपार्टमेंट जो भी कंट्री में काम कर रहे हैं उनके बारे में। वी कैन इजिली लिस्ट अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स ई सर्विसेज कैन प्रोवाइड टू द वेंडर्स एंड कस्टमर्स एंड वुड बी फेथफुल फ्रूटफुल इन बोथ द एस्पेक्ट्स सच एज, है ना। तो यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे नंबर्स के माध्यम से, बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से बताया गया है कि ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो कि कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स तक प्रोवाइड कराए जाते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका ग्रीन कर लेता हूँ, कि एक्सेसिंग अ ग्रेट कस्टमर बेस। यहाँ पे आप एक बहुत ही बड़ा सा ग्रेट कस्टमर बेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। आपकी रीच बहुत ज्यादा हो जाती है जब आप चीजों को ऑनलाइन लेकर के जाते हो। तो ई सर्विसेज का मतलब है कि यहाँ पे जो कस्टमर का बेस होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। तो आप यहाँ पे बहुत बड़े कस्टमर बेस को एक तरीके से एक्सेस करते हो। एक्सेसिंग अ ग्रेट ग्रेटर कस्टमर, एक ही चीज को दो बार क्यों लिख दिया भाई, एक ही चीज को दो बार लिखा हुआ, ठीक है। ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन चैनल्स टू कस्टमर्स, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन चैनल्स है वो यहाँ पे कस्टमर्स के पास ऑल्टरनेटिवली बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, तो जो भी उनको चाहिए होता है वो उसका इस्तेमाल वहाँ पे कर पाते हैं। तीसरा है ब्रॉडनिंग द मार्केट रीच, जो आपकी मार्केट रीच है वो बहुत बड़ी हो जाती है। देखो जहां जहां पे रिपीट होगा मैं उसको दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है। ब्रॉडनिंग मार्केट रीच, कुछ गलतियां हुई है मेरे ख्याल से इसमें, इन्होंने रिपीट करा है बहुत बारी। सो ब्रॉडनिंग मार्केट रीच यहाँ पे हो जाता है। कॉस्ट सेविंग होती है, पैसे बचते हैं ई सर्विसेज के कारण। इनहेंसिंग प्रिसीव्ड कंपनी इमेज, कंपनी का जो इमेज होता है उसको एक तरीके से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो कंपनी का इमेज डेफिनेटली वहां पे बढ़ेगा, है ना। इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी, जब आप चीजों को ऑनलाइन करते हो तो उसका रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छे तरीके से रखा जा सकता है। फिजिकल करने में जो रिकॉर्डिंग होती है वो एक तरीके से बहुत बारी यू नो 19-20 हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन जब आप करोगे तो इनहेंसिंग जो है ट्रांसपेरेंसी जो उसमें बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। ई सर्विसेज कैन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू सेव योर चेंजेस एंड रिटर्न लेटर टू कम्प्लीट योर सबमिशन। अब ई सर्विसेज में आप अपनी जो जो ना जो जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो वो आप बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हो। वो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि आप अपने चेंजेस को एक तरीके से फ्लेक्सिबली चेंज कर पाओ और जो आपको चाहिए आप उसी सिचुएशन में आकर के आप अपना फॉर्म को सबमिट कर पाओ। जैसे कि मान लो आपको फॉर्म ही भरना है, पहले क्या करना पड़ता था, पहले ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता था, भर करके उसको बाई पोस्ट भेजना पड़ता था, फिर जाकर के कॉल लेटर आता था। लेकिन अभी क्या है, अभी ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन आप फॉर्म फिलअप कीजिए, पैसे पेमेंट कीजिए, आपको 2-3 दिन का विंडो भी मिलता है कि आप करेक्शन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कहीं कोई गलती हुई है। तो ई सर्विसेज में ना वो सारी चीजें पॉसिबल है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन में आपने कुछ फॉर्म भर के भेजा और आपने कुछ गलती कर दी तो वहां पे आप चेंज नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये एक दिक्कत होती है। फास्टर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, ई सर्विसेज में जो प्रोडक्ट्स की डिलीवरी है वो बहुत ही तेज होती है। गेनिंग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, यहाँ पे आप एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज यहाँ पे आपको मिलता है, बिकॉज आप ऑनलाइन चीजों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे लोग आप ही से खरीदेंगे, है ना। इनको बहुत ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, कहीं पे बैठे कहीं से भी कर सकते हैं काम को, है ना। यहाँ पे ग्लोबल एक्सेस मिलता है 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक, है ना।
दिन के 2400 घंटे और सप्ताह के 7 दिन यहाँ पे जो है ग्लोबल एक्सेस मिलता है ई सर्विसेज का। इम्प्रूव्ड क्लाइंट सर्विस थ्रू ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे ई सर्विसेज के थ्रू जो क्लाइंट सर्विस है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड रहता है और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण से कस्टमर्स भी ऑनलाइन आकर के चीजों को करना चाहते हैं। इंक्रीज्ड प्रोफेशनलिज्म, ई सर्विसेज के कारण जो प्रोफेशनलिज्म है उसमें एक तरीके से बढ़ोतरी होती है, लोग ज्यादा प्रोफेशनल बनते हैं। इंक्रीजिंग सर्विसेज टू द कस्टमर्स, कस्टमर्स की और भी सर्विसेज इंट्रोड्यूस की जाती हैं, उनके सर्विसेज को बढ़ाया जाता है। लेस पेपर वेस्ट, पेपर वेस्ट बहुत कम होता है, पेपर ज्यादा इस्तेमाल होगा तो उसका असर एनवायरमेंट पे पड़ेगा, पेड़ कटेंगे है ना, लेकिन यहाँ पे चूंकि चीजें ऑनलाइन हो रही है तो यहाँ पे पेपर वेस्ट कम होगा, पेड़ों को कम काटना पड़ेगा, हमारे पेड़ बचेंगे है ना। लोअरिंग ऑफ एंट्री बैरियर टू न्यू मार्केट्स एंड कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स है ना, यहाँ पे एक तरीके से आप अपने खर्चे को कम कर सकते हो। अगर आपको नए मार्केट में घुसना है तो आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं बींग अ फिजिकल वर्क इन बिजनेस, लेकिन अगर आप ऑनलाइन चीजों को करोगे तो यहाँ पे एंट्री बैरियर कोई है ही नहीं है ना, और है थोड़ा सा बट एक तरह से नहीं है, ठीक है ना। साथ ही साथ जो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग होता है नए कस्टमर्स का वो आपका बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि आप चीजें ऑनलाइन कर रहे हो, आप जस्ट एक कैंपेन कर दोगे ऑनलाइन तो आपको ऐसी सारी चीजें मिल जाएंगी है ना। लोअरिंग ऑफ एंट्री बैरियर टू न्यू मार्केट्स एंड कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स है ना, एक ही चीज को दोबारा बोल दिया है, मैं दोबारा नहीं बता रहा, ठीक है आगे चलते हैं। नाउ ऑनलाइन सर्विस मीन यू कंप्लीट द फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली गिविंग यू मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल। मैंने ऑलरेडी बताया कि जब आप ऑनलाइन चीजों को करोगे तो आपको वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि आप चीजों को बाद में एक तरीके से चेंज कर पाओ अगर आपको कुछ चेंज करना है तो। यहाँ पे ना ऑनलाइन सर्विसेज में जो है आपको एक कंप्लीट फॉर्म आप जो है ऑनलाइन सबमिट करते हो, यहाँ पे आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और ज्यादा कंट्रोल भी मिलता है। ऑनलाइन सर्विसेज और ई सर्विसेज आर सिक्योर एंड कन्वीनियंट। ऑनलाइन सर्विसेज जो होती हैं या ई सर्विसेज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा सिक्योर होती हैं और कन्वीनियंट होती हैं। फिजिकल सर्विसेज जो होती हैं वो एक तरीके से हो सकता है कि वो सिक्योर ना हो, लोग चोरी कर लें, पॉसिबल है, लेकिन ऑनलाइन सर्विसेज को चोरी कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इन सारी ये सारी चीजें सिक्योर होती हैं और कन्वीनियंट होती हैं। अपॉर्चुनिटीज टू मैनेज योर बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो ये आपको एक फायदा मिलता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में कहीं पर भी बैठे आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आप चीजों को ऑनलाइन कर रहे हो, राइट। पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग कस्टमर नॉलेज, यहाँ पे एक तरीके से पोटेंशियल होता है कि आप अपने कस्टमर के नॉलेज को भी इंक्रीज कर सकते हो विद द स्टफ यू डू, जो चीजें आप करते हो, जो चीजें आप प्रोवाइड करा रहे हो उसके जरिए उनका जो नॉलेज है वो भी यहाँ पे बढ़ता है। यू कैन शेयर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड विथ योर ट्रस्टीज, अब यहाँ पे आप यूजर नेम और पासवर्ड अपने ट्रस्टीज के साथ आप शेयर कर सकते हो। आपको लगता है कि कोई काम आपको करना है पर आपके पास टाइम नहीं है करने का, तो आपने जो अभी आपका भरोसेमंद है आपने उसके साथ अपना यूजर नेम और पासवर्ड शेयर कर दिया, उसने आपके बिहाफ पे आपका काम जो है कर दिया, राइट। तो ये एक फैसिलिटी है कि आपके काम को कोई और भी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ योर यूजर नेम एंड पासवर्ड दैट यू विल शेयर विद योर ट्रस्टीज, राइट। इंडिपेंडेंट एग्जामिनर और समवन एल्स हु मेक्स चेंजेस और सबमिट द रिटर्न्स ऑन योर बिहाफ, यही बात जो पहली बात है वही दूसरी बात है। पहले बात में यूजर नेम और पासवर्ड के बारे में बात की गई, लेकिन यूजर नेम पासवर्ड लेकर के मैं क्या करूंगा, ट्रस्टी क्या करेगा, तो वो यही करेगा, वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनर बन सकता है, वो किसी और के काम को उसके बिहाफ पे करके जमा कर सकता है, सबमिट कर सकता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ई सर्विसेज जो कि मैंने अभी आपको बताई है। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।